हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, आज मैं आप लोगों को इस क्लास में इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी हिंदी पार्ट एट और पार्ट का नाम है बगुला भगत, जिसकी स्टोरी मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उसके कुछ सोल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, आप लोग बुक खोल ले, हिंदी बुक खोले, पेज नंबर 60 निकाले और 60 में देखें, समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखो। समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखे। आप देखें पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 3 है, समान अर्थ वाले शब्दों को वर्ग पहेली से ढूंढ कर लिखे। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। एक किसी भी शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं, किसी भी शब्द के दूसरे शब्द भी होते हैं और उनके अर्थ एक होते हैं। तो देखे समान अर्थ वाले शब्द क्या है, तो यहाँ पर वर्ग पहेली से ढूंढ कर निकालना है। यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें बहुत सारे अक्षर दिए हुए हैं जिन्हें जोड़कर शब्द निकालने हैं आपको और जो इनके समान अर्थ निकलते हो। जैसे का नंबर तालाब, तालाब यहाँ पर लिखा हुआ है तालाब। अब इसमें वर्ग पहेली में देखें तालाब के दूसरे शब्द कौन से हैं, तो आप लोग देखें सरोवर। तालाब को दूसरे शब्द में सरोवर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग सरोवर लिख लेंगे। नंबर था गंदा, गंदा गंदा को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, देख लें गंदा को दूसरे शब्द में बसूरत भी कहते हैं, बसूरत, तो यहाँ पर आप लोग बसूरत लिख लेंगे। नंबर ग है पानी, नंबर ग है पानी, पानी का दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द पानी को जल कहते हैं, जल, जल, तो जल को यहाँ लिख लेंगे। घ नंबर है बरसात, बरसात को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दूसरे शब्द क्या है इनके, बारिश, दूसरे शब्द है बारिश, तो आप यहाँ पर बारिश लिख लेंगे। नंबर अंग है सुंदर, सुंदर, सुंदर का दूसरा शब्द क्या होता है, खूबसूरत, दूसरा शब्द यहाँ पे खूबसूरत होता है, तो दूसरा शब्द यहाँ क्या लिखेंगे, सुंदर का दूसरा शब्द यहाँ पर खूबसूरत लिखेंगे। चार नंबर है गर्दन, गर्दन के दूसरे शब्द में हम क्या लिखेंगे, देखेंगे गर्दन का दूसरा शब्द इसमें से कौन सा है, यहाँ पर देखें गला, गा ला में आकर ला, गला, गला को गर्दन भी कहते हैं, गर्दन को गला भी कहते हैं, तो यहाँ पर गला लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग अच्छे से देख लें कहाँ क्या फिलअप करना है, तालाब में सरोवर, गंदा में बसूरत, पानी में जल, बरसात में बारिश, सुंदर में खूबसूरत, गर्दन में गला। तो इस तरह से आप लोग देख लें अच्छे से और इसे फिल करें और घर में आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगी, तब तक के लिए इसे लिखें और याद करें और एग्जामिनेशन की तैयारी करें। धन्यवाद।